नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू जाट और आप देख रहे हैं नंदू जाट सी के और चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2 रुपए के एक एरर कॉइन्स के बारे में जो कि मेरे कलेक्शन के अंदर शामिल नहीं है। और मैं चाहूंगा कि अगर आप भी कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं तो आपके पास भी ऐसा सिक्का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक रेयर कॉइन है और ये वैसे तो सर्कुलेशन के अंदर ही ऐसा सिक्का मिल जाता है, लेकिन एनी टाइम ऐसा सिक्का अवेलेबल नहीं हो पाता है और ये एक रेयर कैटेगरी का भी सिक्का है। तो दोस्तों 2 रुपए का ये 1994 का जो सिक्का है इसके बारे में आज हम पूरा खुल के डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों चलो पूरा जानते हैं डिटेल में ये कौन सा सिक्का है और इसकी कीमत क्या है, और ऐसा सिक्का अगर आपके पास में होता है तो आप इसको कहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो 1992 से लेके 2004 के बीच में 2 रुपए के जो सिक्के जारी किए गए हैं, इन सिक्कों का ओवरसाइड हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है, जिसमें बीच में आपको अशोक स्तंभ बड़ा दिखाई देता है, उसके नीचे सत्यमेव जयते और उसके नीचे 2 लिखे हुए नजर आते हैं। दूसरी साइड में हिंदी में भारत रुपए और दूसरी उससे अपोजिट में इंडिया रुपीज लिखा हुआ इंग्लिश में नजर आता है। दोस्तों इस सिक्के का अगर हम लोग देखते हैं रिवर्स साइड मतलब अपोजिट में, तो आपको राष्ट्रीय एकता ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा, उसके नीचे मतलब भारत का नक्शा और उसके नीचे नेशनल एंट्रिएशन और उसके नीचे आपको मिंटियर नजर आता है जो कि 1994 में लिखा हुआ है, और उसके नीचे आपको हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क नजर आता है जो कि स्टार मिंट मार्क है। 1994 के ये सिक्के कॉपर निकल मेटल के अंदर ढलाई किए गए थे। एज की बात करें तो ये सिक्के स्मूथ एज के सिक्के हैं, और अगर अलाइनमेंट की इन सिक्कों की बात करें तो ये एक मेडल अलाइनमेंट के सिक्के हैं और सेप 11 साइडेड का ये सिक्का है। वेट की बात करें तो 6 ग्राम वेट के साथ में ये सिक्के जारी किए गए थे और 26 mm की डाई मीटर इसमें यूज की गई थी। थिकनेस इस सिक्के की 1.71 mm है। तो दोस्तों 1994 का हैदराबाद का मैसिव डाई कट एरर कॉइन्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों आप इससे समझ तो गए होंगे 1994 हैदराबाद मैसिव डाई कट एरर कॉइन्स। अब दोस्तों ये कैसा कॉइन होगा इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, और इस सिक्के की कीमत क्या होगी ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब आप तब तक नहीं जान लोगे जब तक आपको इस वीडियो को देखने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, आपको पूरा वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना है, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि आपको कौन सा सिक्का कलेक्ट करना है जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो 1994 का मैसिव डाई कट एरर कॉइन्स कौन सा है, तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं ये मैसिव डाई कट एरर कॉइन है, और इस सिक्के की कीमत क्या है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों अगर आपके पास में ये एक अच्छी कंडीशन का सिक्का होता है तब आपको ये सिक्का दिला सकता है 1150 रुपए तक। एक सिक्के की कीमत आपको 1150 रुपए तक मिल सकती है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं ये सिक्का मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं भी ये सिक्का लेने के लिए इंटरेस्टेड हूं। तो दोस्तों आपके पास में ऐसा कोई सिक्का एरर सिक्का आ जाता है तो आपको इस सिक्के को जरूर कलेक्ट कर लेना चाहिए, और ये सिक्का फ्यूचर में काफी रेयर कैटेगरी में जाने वाला है। दूसरी एक चीज और बता देता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे सिक्के किसी भी एक्सिबिशन में बड़ी आसानी के साथ में सेल हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास में ऐसा कोई डाई कट एरर सिक्का आ जाता है तो आप नंदू जाट RJ23 इंस्टाग्राम पे उस सिक्के का फोटो जरूर सेंड करें, और अगर किसी को सेल करना हो तो ये सिक्का डायरेक्ट मेरे को सेल कर सकता है, लेकिन मैं वो सिक्का आपसे कलेक्ट करूंगा जिस सिक्के की कंडीशन अच्छी होगी, उसी के हिसाब से उस सिक्के की कीमत तय की जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन आपको ये जरूर बताना है कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो पूरा आपको अच्छा लगता है और समझ में आ जाता तो वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद जय भारत।